मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 2 अध्ययन करेंगे। भारत एक परिचय, जिसमें हम मुख्य बिंदुओं का पहले अध्ययन करेंगे। भारत एक सामान्य परिचय जिसमें हम देखेंगे ये विश्व का मानचित्र है। भारत विश्व का मानचित्र है जिसमें भारत जो है ये एशिया जो है ये जो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। उसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला स्थित है। उसके हम इस मानचित्र में देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, नीचे से लेके जो ऊपर की ओर जो दिखाई गई हैं मानचित्र में जो दर्शाई गई हैं वे अक्षांश रेखाएं हैं, और जो बाएं से दाएं की तरफ जो रेखाएं आई हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। इसमें लगभग देखिए जो अक्षा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, और उसके बाद जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश माना गया है। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ये जो भारत है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। भारत देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत देश की संरचना के अनुसार सैल समूह और भू आकृति की विभिन्नता के आधार पर भारत की भू संरचना को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपी पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, पांचवा है भारतीय मरुस्थल। ठीक है, इस नक्शे में हम देखेंगे उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला, ये इस पूर्व दिशा हो गई ये उत्तर, और उत्तर से जो पूर्व की तरफ गया है वो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ये जो ब्राउन कलर में दर्शाया गया है वो पूरी पर्वतमाला है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर में जो भारत की जो पर्वतमाला है उसमें जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे उसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहेंगे, और प्रायद्वीपी पठार हमारा जो बीच का जो भाग आ जाता है वो पूरा प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत, यदि देख रहे हो हल्का हल्का पिंक कलर में है वो प्रायद्वीपी पठार को दर्शाता है। उसके बाद देखेंगे समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय बोले तो ये जो पूरा जो नीला क्षेत्र है वो पूरा समुद्र है, इसके तटों पे जो है उस जो मैदानी भाग है उसको हम समुद्र तटीय मैदान बोलेंगे। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वो भारतीय मरुस्थल। इन 5 भागों में भारत को प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हम देखते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला पर्वतमाला। ठीक है, जैसे पृथ्वी का बाहरी आवरण को हम पटल भी बोलेंगे, जिसे स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न शैल खंडों से बना हुआ है, इन्हें प्लेट कहते हैं। ठीक है, करोड़ों वर्षों पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल था और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों से टूट गया और दक्षिणी पूर्व तथा उत्तर दिशा में खिसकने लगी। जो टूट गया फिर वो दक्षिण पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी और उत्तर में पश्चिमी यूरोप प्लेट में जाकर टकरा गई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था जिसे हम टेटिस सागर के नाम से जानते हैं। टेटिस सागर में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियां द्वारा जो अवसाद जो जमा किए गए थे वो काफी समय से हो रहा था। अवसाद जमाव मतलब जो नदियों द्वारा जो लाए गए थे अवसाद, वो जमाव काफी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वतमाला की
उत्पत्ति हुई, ये जो पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला उसकी उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वतमाला में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें पार हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां प्रमुख हैं। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान भारतीय उपमहाद्वीपों का ये जो मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान भारतीय उपमहाद्वीपों का महत्वपूर्ण भाग है। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, इसका विस्तार हम देखेंगे। उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है, भारत में भी है, उसके बाद इधर बांग्लादेश में भी इसका विस्तार पाया गया है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु घाटी, मध्य में गंगा घाटी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस विशाल मैदान का लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। इस मैदान में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, इसी मैदान में, भारत के उत्तर भारत का विशाल मैदान में। इसके बाद मैदानों को भी मुख्य रूप से तीन भौतिक विभाग में बांटा गया है। पहला है सिंधु और सतलज का मैदान, और उसके बाद गंगा का मैदान, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। उसके बाद तीसरा विभाग हम बांटते हैं भारत को, तीसरे प्राकृतिक विभाग में बांटे हैं। तीसरा मैंने बताया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम के अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समानांतर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर में शिलोंग पहाड़ तक और समस्त दक्षिणी प्रायद्वीप में है। जैसे हम इस मानचित्र में देखेंगे भारत का प्राकृतिक मानचित्र, जिसमें जो ये पूरा जो उत्तर में जो ये पूरा ब्राउन कलर में जो दिखा रहा है वो ना उत्तर तथा उत्तर पूर्वी का पर्वतमाला है, ठीक है। ये यहीं पे हिमालय पर्वत भी है इसी क्षेत्र में। ये उत्तर का विशाल पर्वतमाला हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है उत्तर का विशाल मैदान बोलता है, तो ये पूरा जो उत्तर का दिशा है, उत्तर का विशाल मैदान ये जो ग्रीन कलर में है, वो उत्तर का बहुत बड़ा विशाल मैदान क्षेत्र में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पठार बोल रहा है जो, और जो ये पीले रंग में और ये ब्राउन रंग में जो है वो पूरा उत्तर का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। और समुद्र तटीय मैदान बोल रहा है, और द्वीप समूह, समुद्र तटीय मैदान बोल रहा है ये जो समुद्र है पूरा, उसके जो तट पाई गई हैं वहां पे मैदानों का निर्माण हुआ है, उसको हम समुद्र तटीय मैदान के नाम से जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं द्वीप समूह में देख रहे हो चारों ओर से जो दो समुद्रों से घिरा होता है तीनों ओर से, उसको हम द्वीप समूह बोलेंगे। बीच में मतलब समुद्र के बीचों बीच जो टापू बने हुए हैं ये पूरे द्वीप समूह हैं, ठीक है। भारतीय मरुस्थल में देखेंगे हम जो भारतीय मरुस्थल में जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश में भी है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ पाया गया है, उत्तर पश्चिम में अरावली की, उत्तर पश्चिम है यहाँ पे अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वहाँ से कच्छ होते हुए, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ से कच्छ होते हुए लगभग यमुना नदी और ये जो गंगा नदी है, यहाँ से होते गंगा नदी के समानांतर पूर्व में जो राजमहल की पहाड़ी और उत्तर में शिलोंग का जो पठार है वहाँ तक समस्त दक्षिण प्रायद्वीप में है। मतलब दक्षिण का जो प्रायद्वीप है वो अलग है, उत्तर का प्रायद्वीप अलग है, मतलब मध्यवर्ती उच्च भूमि अलग है, ठीक है। भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही भारतीय प्लेट है, जिसे पहले हम गोंडवाना लैंड भी बोलते थे। यह प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों से बना है, जिसमें आग्नेय तथा कायंत्री शैलें पाई जाती हैं। भारत के विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन करेंगे हम, जिसमें पहले भौगोलिक अध्ययन के लिए हम मध्यवर्ती उच्च भूमि के भाग में बांटे हैं, और दूसरा है दक्कन का पठार, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमि में विंध्याचल श्रेणी में उत्तर में है, ठीक है। मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है वो विंध्याचल पर्वत
देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये जो उत्तर में जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है, ये पूरा मध्यवर्ती उच्च भूमि के क्षेत्र में आएगा, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत है, मालवा का पठार है, दिख रहा है ये मालवा का पठार। उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, पूर्व में बघेलखंड का पठार है, सुदूर में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम दक्कन का पठार, ये जो क्षेत्र दिखा रहा है दक्कन का पठार, ठीक है। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण तट से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक है। इसका जो विस्तार है दक्कन का पठार का जो विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, ये हमारा महाराष्ट्र है उसका क्षेत्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र आ जाएगा इसमें, और उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल जो राज्य है इसमें पूर्णतः आता है, मतलब दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे हम समुद्र तटीय मैदान, जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसको हम तट बोलेंगे। ये समुद्र है, यहाँ जो जमीन से मिलेगा उसको हम तट बोलेंगे। इसको भी हम दो भाव प्राकृतिक विभागों में बांटेंगे समुद्र तटीय मैदान को, पहला है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान किसको बोलेंगे, ये इस साइड का, ठीक है, ये पश्चिम का क्षेत्र आ गया जिसमें अरब सागर, लक्षद्वीप वगैरह आएंगे, ये पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये जो क्षेत्र है पूर्वी महाद्वीप, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक। उसके बाद देखेंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह में ये अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरे द्वीप समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। और पश्चिम में देखेंगे हम लक्षद्वीप का समूह, लक्षद्वीप ये है पूरा, ठीक है, ये द्वीप समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। भारत का सामान्य परिचय का पाठ खत्म हुआ।